आज मसाला किचन में बन रही है पिस्ता लॉन्च। पिस्ता लॉन्च और पिस्ता कतली, काजू कतली, इसमें काफी फर्क होता है। दिवाली का टाइम आ रहा है, ऐसे में हम कुछ ना कुछ बढ़िया से मिठाई बनाने की सोचते हैं। करवा चौथ है, दिवाली है, ड्राई फ्रूट की मिठाइयाँ हम मार्केट से भी लेकर आते हैं, पर हम घर में वही मिठाई आधे रेट में बना लें तो कैसा रहेगा, चलिए देखते हैं। आज ड्राई फ्रूट की कतली नहीं बनाएंगे, आज ड्राई फ्रूट का लॉन्च बनाएंगे। लॉन्च आपको पता है ना, लॉन्च कतली से भी ज़्यादा महंगा होता है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट छोटे छोटे पीसेस होते हैं उसी ड्राई फ्रूट के। तो चलिए इसको हम किस तरीके से बना रहे हैं, सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका भी पिस्ता लॉन्च जो इतना महंगा मिलता है ना, परफेक्ट बनेगा घर में। आज मैं इसमें ये भी बताऊंगी कि मार्केट से हम ये मिठाई क्यों नहीं लेना पसंद करते, क्योंकि इसमें ढेर सारा कलर डला हुआ होता है। लेकिन जब घर में बना सकते हैं तो मैं आपको दोनों तरीके से बता रही हूँ कि कलर वाली कैसी लग रही है और बिना कलर वाली मिठाई कैसी लग रही है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हमें जो पिस्ते लेने हैं वो नॉर्मल वाले पिस्ते लेने हैं, नमक वाले नहीं। और नॉर्मल वाले पिस्ते को आप भिगो दीजिए। अब ये कितने हैं, तो ये पिस्ते की क्वांटिटी है 150 ग्राम। ये मैंने एक कटोरी से नॉर्मल नाप लिया था, और वैसे कम ज़्यादा भी हो तो चलेगा। 150 ग्राम मैंने पिस्ते को रात को भिगो दिया था, सुबह ये काफ़ी फूल गए हैं। अब इनके छिलके हटाने, ये देखिए छिलके इसमें बिल्कुल नहीं डालना, इन्हें आप हटा दीजिए, ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अब इसके साथ हम एक ड्राई फ्रूट और भी यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 100 ग्राम करीब काजू। आप चाहे तो पूरे के पूरे 250 ग्राम पिस्ता यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने जब हलवाई से बात की थी इस बारे में तो उन्होंने कहा था कि मार्केट में तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मैं काजू यूज कर रही हूँ, साथ में बादाम भी यूज कर सकते हैं, कई लोग तो इसमें मूंगफली भी यूज करते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम से बचे, हम खुद घर में बनाएं। तो मैंने यहाँ पर 100 ग्राम काजू लिए हैं और 150 ग्राम पिस्ता लिया है। आप मेरी तरह इस तरीके से नापे नहीं, आप तो अपने हिसाब से अंदाजे से ले सकते हैं। अब पहले हमने काजू को मिक्सी के जार में डाल दिया है। हमें इस काजू को थोड़ा दरदरा पीसना है, बिल्कुल प्लेन पाउडर नहीं पीसना है, क्योंकि जब हम लॉन्च बनाते हैं तो हमें बीच में ड्राई फ्रूट के पीसेस आने चाहिए, यही फर्क होता है खास। अगर ज़्यादा मोटे पीस हैं तो उन्हें आप चाकू से थोड़े कट कर सकते हैं। लीजिए, अब मैंने काजू का चूरा तो बना लिया है, अब हम पिस्ते लेते हैं। इसी मिक्सी के जार में मैं पिस्ते को डाल रही हूँ। पिस्ते को भी हमें पल्स पे ग्राइंड करना है, जिससे वो दरदरे से बने। ये देखिए, ये भी बहुत ही परफेक्ट बने हैं, इसी तरीके से मुझे चाहिए। मैंने पहले भी कहा है आपसे कि लॉन्च और कतली में सिर्फ यही फर्क होता है, इसमें हमें दरदरा ड्राई फ्रूट चाहिए होता है। लीजिए, अब दोनों को हमने पीस के एक तरफ रख दिया है। अब बारी आती है चीनी की। चीनी हमें साबुत नहीं चाहिए, पिसी हुई चीनी चाहिए, लेकिन मैं बाद में बताऊंगी कितनी चीनी। सबसे पहले एक पैन ले लीजिए, नॉनस्टिक पैन है तो 1-1.5 चम्मच घी डाल दीजिए, नॉर्मल पैन है तो 2 चम्मच घी डलेगा। वैसे आप ये सोच रहे होंगे कि काजू कतली वगैरह बनाते हैं तो उसमें तो घी यूज़ नहीं होता, क्योंकि उसका हम पाउडर बनाते हैं। अब पिस्ते को हमने, भीगे हुए पिस्ते को हमें पकाना है तो हमें थोड़ा सा घी लगाना पड़ेगा। सबसे पहले 1-2 मिनट के लिए आप पिस्ते को भून लीजिए, उसके बाद ये चीनी को पीस कर डालिए। ये मैंने चीनी कितनी ली है ये मैं आपको बताती हूँ। टोटल ड्राई फ्रूट काजू और पिस्ता मिलाकर मेरे पास है 250 ग्राम, और मैंने ली है चीनी 200 ग्राम चीनी का पाउडर। आप चाहें तो 250 ग्राम ले सकते हैं। मार्केट में आधा और आधा डाला जाता है, क्योंकि इस पूरी मिठाई का वेट होगा 1/2 kg। अब चीनी के साथ ये पिस्ता बहुत बढ़िया भुन रहा है और ये सीक भी रहा है, इसमें जो मॉइस्चर है वो भी ख़त्म हो जाएगा और ये बहुत ही बढ़िया इसके साथ ना कलर आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया नेचुरल सा कलर। कहीं कहीं मुझे इसे कूटना पड़ रहा है पोटैटो मैशर से, कुछ कुछ पिस्ते के दाने कुछ ज़्यादा ही मोटे लग रहे हैं मुझे। अब देखिए, अब हमने जो चूरा बना के रखा है ना काजू का, वो मैं इसमें डाल रही हूँ, इससे इसको बाइंडिंग भी मिलेगी और बहुत ही बढ़िया ये बनेगी। यहाँ पर देखिए, मैंने 2-3 चम्मच डाल दिए मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से फायदा ये होता है, इस मिठाई में एक तो बाइंडिंग मिलती है, ज़्यादा जल्दी सूख भी जाती है और ये बहुत ही परफेक्ट बनती है, और पूरी 1/2 kg मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। यहाँ देखिए, मैं बहुत अच्छे से भून रही हूँ, इसका पूरा मॉइस्चर खत्म हो चुका है। यहाँ चाहें तो 1/2 चम्मच हल्का सा घी डाल सकते हैं।
यहाँ देखिए, ना तो हमें कोई चाशनी बनाने का झंझट है, ना कोई मावा चाहिए, और मैंने ये भी बता दिया कि अंदर क्या क्या आप सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हो। इस समय अगर आप चाहें तो कलर डाल सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जो होती है मिठाई उसमें कलर होता है। मैंने भी जो पहले से बना के रखी है उसका कलर देखिए, बिल्कुल काई कलर है, और इस मिठाई को देखिए काफ़ी लाइट कलर है। तो अगर आप डालना चाहें तो इस वक्त डालें। अगर आपको कलर नहीं डालना है और बिल्कुल ऐसे ही बनानी है तो आप इसी को इसी तरीके से पकाइए। अब इसे कितनी देर पकाना है, खास बात है ये आप हाथ में थोड़ा सा उठा के देखिए, अगर थोड़ी सी गोली जैसा बन रहा है तो मतलब ये मिठाई तैयार हो चुकी है। गैस बंद कर दीजिए और अभी इसे चलाते रहिए। जैसे हम काजू कतली को फैलाते रहते हैं ना, उसी तरीके से इसे भी आप थोड़ी थोड़ी देर चलाते रहिए और फैलाते रहिए, जब तक कि ये ड्राई ना हो जाए। ड्राई फ्रूट की मिठाई जो होती है थोड़ी देर बाद ये ड्राई होती है। गैस बंद करने के बाद इसे हर तरफ फैलाते जाइए। ये देखिए, पहले काफी गीली थी, अब ये ड्राई होती जा रही है। अब ये काफी ड्राई हो गई है, जैसे हम इसे बेल सकें, बस इतना ही हमें चाहिए होता है। अब यहाँ तो किसी चॉपिंग बोर्ड पर घी लगा लीजिए या बटर पेपर लगाकर उस पर घी लगा लीजिए, और अब हमें इसे बेलना होगा। कतली जो होती है काफ़ी पतली होती है, और ये जो पिस्ता लॉन्च होता है थोड़ा मोटा होता है, चौकोर बर्फी होती है। इसे हम इस तरीके से बेल रहे हैं। जब कभी मन करता है ना कि बच्चों को खिलानी है या फिर कलर नहीं डालने का मन है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। इसमें वर्क डालना भी पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। कई लोग पूजा में वर्क नहीं डालते, लेकिन क्योंकि हलवाई जैसी मुझे दिखानी है आपको, इसलिए मैंने वर्क इस तरीके से लगा दिया। अब ठंडी होने के बाद शार्प नाइफ से इस तरीके से चौकोर पीस काट लीजिए। नाइफ को बार बार आप पोंछते रहिए, जिससे इसमें अच्छी सी फिनिशिंग आएगी, और जैसे जैसे ये मिठाई रखोगे वैसे ये अच्छी और ड्राई होती चली जाएगी। ये देखिए, ये जो मिठाई का पीस मैंने निकाला है, साइडों से जब आप देख रहे हैं ना, तो काफ़ी सारे छोटे छोटे नट्स आपको दिख रहे हैं, बस यही पिस्ता लॉन्च कहते हैं। जो आप चाहे तो ऐसे ही बिल्कुल बादाम की बर्फी भी बना सकते हैं, वो बादाम लॉन्च हो जाता है, ये पिस्ता लॉन्च हो जाता है। एक बार अगर आपने पिस्ता लॉन्च घर में बना लिया ना, खुद पर बहुत प्राउड फील होगा कि ये बर्फी हम खुद भी बना सकते हैं, और बिना कलर के, बिना चाशनी के, बिना मावे के महीना भर इसका एंजॉय कर सकते हो, लक्ष्मी जी की पूजा में रख सकते हो। ये मिठाई आप कब बना रहे हैं, कैसी लगी आपको, मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं।